Hello friends, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Varsha. कैसे आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे. आप समझ ही चुके होंगे वीडियो देखकर कि आज का वीडियो बालों से रिलेटेड है. फिलहाल विंटर सीजन चल रहा है और विंटर सीजन में बालों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. बाल बहुत ही फ्रिजी और ड्राई दिखने लगते हैं. तो जिस तरीके से हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज़र या फिर लोशन लगा के मॉइस्चराइज रखते हैं, उसी तरह से अपने बालों को भी इस सीज़न में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है. अगर हम विंटर में अपने बालों की या फिर स्कैल्प की अच्छे से देखभाल ना करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बालों में रूसी होना या फिर बालों में स्कैल्प में खुजली होना, स्कैल्प ड्राई होना, बाल फ्रिजी होना. अगर आपके बालों में ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर आपके बालों का रफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या फिर आपके बालों में शाइन नहीं है या दो मुहे बालों की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो डोंट वरी, इस सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ. अगर आप भी लॉन्ग और स्मूथ हेयर चाहते हो तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. फिलहाल तो हम बहुत सारे बिजी शेड्यूल में होते हैं या फिर जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे उसका इफ़ेक्ट भी हमारे बालों पे पड़ता है, जैसे कि धूल मिट्टी प्रदूषण, वो भी हमारे बालों को डैमेज करता है, उसकी हेल्थ ख़राब कर देता है. तो सबसे पहले हमें वर्क करना है बालों की हेल्थ पे कि वो कैसे इम्प्रूव हो जाए. जैसे ही हमारे बालों की हेल्थ इम्प्रूव होगी, बाकी बालों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हमारे अपने आप सॉल्व होने वाले हैं. तो आज के वीडियो में मैं आपको अपने बालों की हेल्थ किस तरह से सुधारी जाए उससे रिलेटेड एक हेयर मास्क या फिर हेयर पैक बताने जा रही हूँ. तो उसमें आपको सिंपल से इंग्रेडिएंट्स है जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसी को ही हमें यूटिलाइज़ करना है और अपने बालों को इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाना है. इस होम रेमेडी को अप्लाई करते ही आप जो बाहर के महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स है या फिर जो हेयर स्पा है वो सब भूल जाएंगे और इसी को आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. और इसकी वजह से हमारे बाल खूबसूरत तो दिखेंगे ही, वो हेल्दी भी रहेंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी. मैं जो DIY होम रेमेडी यूज़ करती हूँ वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ. बस आपको जिस तरीके से बताया है बिल्कुल उस तरीके से इसे अपने हेयर पे अप्लाई कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए. सो विदाउट फर्दर डू चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो आइए देखते हैं इस होम रेमेडी के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए होंगे. हमें चाहिए होगा लेमन, इसके बाद हनी, मैंने लिया है पतंजलि का प्योर हनी. अब हमें चाहिए पका हुआ केला, कुछ इस तरीके से जो ब्लैक सा हो चुका होता है जिसे हम फेंकने वाले होते हैं वैसा, लेकिन मेक श्योर कि वो सड़ा हुआ ना हो. इसके बाद हमें चाहिए एक एलोवेरा लीव, देन बादाम का तेल, मैंने लिया है रोगन बादाम शीरिन. इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 कप मिल्क. सबसे पहले हमें एलोवेराज के साइड्स जो होते हैं ना वो कट करने हैं. साइड्स कट करने के बाद इसके अंदर जो पल्प होता है या फिर जो जेल होता है उसको हम निकालेंगे. प्लांट से तोड़ा हुआ जो एलोवेरा लीव होता है वही आप अप्लाई करो या यूज़ में लाओ. इसके बाद मैंने लिया है पका हुआ केला, इसको स्लाइस करके हम इसमें डाल रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर में. फिर उसमें डाल रहे हैं हम मिल्क, आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ले लीजिए मिल्क. अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून बादाम तेल. अगर आपके पास बादाम तेल नहीं है तो डोंट वरी, आप इसमें 4 बादाम ऐड कर दीजिए. और उसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून हनी. हनी ऐड करने के बाद अब मैंने लिया है अंडा, अंडा इसमें हम डालेंगे. आपको एक वाइट और येलो दोनों पार्ट इसमें डालने हैं अंडे के. अगर आपको अंडा पसंद नहीं है या फिर इसका स्मेल अच्छा नहीं लगता तो इसकी जगह पे आप दही को रिप्लेस कर दीजिए और इसको अच्छे से मिक्सी में पीस करके लेना है. कुछ इस तरीके से इसका सेमी लिक्विड सा पेस्ट तैयार हो जाएगा. इस पेस्ट को हम एक कांच के बर्तन में निकाल के लेंगे और इस बाउल में अब हम ऐड करेंगे लेमन. अगर आपके बाल छोटे हैं तो आपको 1/2 टीस्पून लेमन लेना है. मेरे बालों की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है इसीलिए मैंने पूरा 1/2 लेमन इसमें ऐड किया है और ये मेरा पैक रेडी है. जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी और ड्राई रफ से लग रहे हैं.
आप देख पा रहे हो बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं, इसमें कोई जान ही नहीं है, ऐसे लग रहे हैं जैसे कि शाइन बिल्कुल खो चुकी है। तो अब इन बालों पे मैं इसे आपको अप्लाई करके बताऊंगी। इस हेयर पैक को अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एक कॉटन पैड, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिंगर की हेल्प से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड करके लेना है और आपके जो स्कैल्प का एरिया है उस पर पहले इसे आपको अप्लाई करना है अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि इनमें क्या क्या गुडनेस है। नींबू तो हम सब अपने खाने में यूज़ करते हैं, अपने स्किन पे भी अप्लाई करते हैं, बट साथ ही साथ आप इसे अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे तो इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। विंटर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा होता है कि हमारे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नींबू जो है वो डैंड्रफ को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है, साथ ही में हमारे बाल काले भी होने लगते हैं। लेमन के एप्लीकेशन से हमारे स्कैल्प संबंधी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका इस्तेमाल ज़्यादा मत करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल हद से ज़्यादा करेंगे तो आपके स्कैल्प को ये डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने पिक किया था शहद, और इसको अगर हम अंडे के साथ या फिर दूध में मिला के भी अपने बालों पे अप्लाई करते हैं हनी को, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जैसे कि आपके बालों में चमक आती है और आपके बालों की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होने लगती है। शहद ना सिर्फ हमारी स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, बल्कि वो अपने बालों को भी उतना ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ बनाता है। इस हेयर पैक को पहले आपको स्कैल्प को अच्छे से लगा के लेना है, फिर उसके बाद रूट से लेके आपको टिप्स तक इसे अप्लाई करते जाना है, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद का जो इंग्रेडिएंट हमने पिक किया था वो था बनाना, लेकिन हमने यहाँ पे बनाना लिया था वो ज़्यादा पका हुआ लिया था, जिसे हम फेंकने वाले होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा काला हो चुका है और अब ये खाने लायक नहीं बचा है, ऐसा हम समझते हैं, बट उसमें जो गुडनेस होती है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। केले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो अपने बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। बनाना में डैंड्रफ रोकने की भी क्षमता होती है। अगर आप इसका एप्लीकेशन डेली बेसिस पे करते रहेंगे ना, तो आपको फ़र्क अपने आप महसूस होगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की होने लगे हैं। अपने बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके अगर आप किसी हेयर एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे ना, तो आपको एडवाइस देंगे कि आपको केले खाने होंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने पिक किया था एलोवेरा। एलोवेरा में विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों को हेल्दी रखने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एलोवेरा को आप कैसे भी यूज़ करें, खाने में भी यूज़ करेंगे तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है, और आप इसे अप्लाई करेंगे तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल है, स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी। एलोवेरा अपने बालों की जो जड़ें हैं उनको मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों का गिरना कम होने लगता है। और एलोवेरा में विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे बालों की हेल्थ इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। कुछ इस तरीके से आपको इसे अप्लाई करना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, एलोवेरा में सूदिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण हमारे स्कैल्प को कूलिंग इफेक्ट मिलते हैं। तो अब हम जानेंगे मिल्क के बारे में कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। दूध में कई पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न केवल खाने से बल्कि हम इसे अप्लाई भी करेंगे तो लगाने से भी हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दूध में मौजूद फैट्स हमारे बालों में जान डाल सकते हैं? इसके यूज से हमारे बाल शाइनी होने लगते हैं। बाल अगर बहुत ही रूखे हो गए हो तो इसको एज ए कंडीशनर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिल्क के एप्लीकेशन से हमारे बालों को बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं और हमारे बालों की टोटल नरिशमेंट होती है। इसके बाद का जो इंग्रेडिएंट था वो था बादाम तेल। बादाम तेल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने इससे पहले भी बताया कि आप कच्चे बादाम भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर बालों से रूसी को दूर करना है ना, तो बादाम तेल बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बालों का झड़ना रोकने के लिए बादाम तेल बड़ा ही कारगर होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने अपने पूरे बालों को ये हेयर पैक लगाया और इसके बाद मैंने एक टी शर्ट ली है जो गर्म पानी में मैंने डिप की हुई थी।
बहुत सारे लोग यही पे मिस्टेक कर देते हैं, जब भी कोई हेयर मास्क या हेयर पैक अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसे खुला छोड़ देते हैं सूखने के लिए। बट ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, हमें गर्म पानी में डुबो करके एक कपड़ा लेना है। आपके पास अगर पुरानी टी शर्ट है तो वेरी गुड, नहीं है तो टाल ले लीजिए और इसको अपने बालों पे ढक दीजिए कुछ इस तरीके से। कारण जो हमने हेयर मास्क लगाया है या हेयर पैक लगाया है उसकी जो गुडनेस है वो बालों के स्कैल्प तक अंदर तक पहुँच जाती है। अभी आप पूछोगे कि कितनी देर तक इसे रखना है, तो ये डिपेंड करता है सीज़न पे। मतलब जबकि रेनी सीज़न होगा तो आपको इसे 1.5 घंटे तक रखना है, और जब समर सीज़न हो तो आपको इसे 1 घंटे तक रखना है, और जबकि अब विंटर चल रहा है तो आपकी स्कैल्प पूरी तरह से ड्राई हो चुकी होती है, उसको नरिश करने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आपको 2 घंटे तक इसे रखना है। 2 घंटे हो चुके हैं और मेरा पैक भी अच्छे से सूख चुका है, तो अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। अब मैंने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, आप देख सकते हो। और आपको एक बात याद ध्यान रखनी है कि हेयर वॉश करते समय बिल्कुल भी गर्म पानी से नहीं वॉश करना है, आपको इसे ठंडे पानी से धो लेना है। अक्सर हम यही पे गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि समर में तो ठीक है कि हम ठंडे पानी से बाल धो लेंगे, लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा पेनफुल लगता है। लेकिन आपके बालों के लिए यही हेल्दी है कि आप कोल्ड वाटर से ही अपने बाल वॉश करें। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ बाल सूखने के बाद। आई होप आप देख पा रहे हो कि बाल कितने ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो चुके हैं। ये हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले भी आपने मेरे बाल देखे हैं वीडियो के स्टार्ट में, और आप अब देख सकते हो कि कितना डिफरेंस इन बालों में आपको दिख रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि धूप, धूल और प्रदूषण के कारण हमारे बाल दो मुहे हो जाते हैं, या फिर उनका गिरना, या केमिकल के यूज से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। तो इस सब का एक ही सलूशन है कि ये हेयर पैक आप अपने बालों पे अप्लाई करें। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए थे वो 1 by 1 भी आप अप्लाई कर सकते हो, और इसको मिक्स करके अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हेयर पैक से आपके बालों में नई चमक दिखाई देगी। आपको ये हेयर पैक हफ्ते में 1 से 2 बार लगाना है ताकि रिजल्ट्स बेहतर आए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल कीजिए। आप देख सकते हो कितने स्मूथ और सिल्की हो चुके हैं मेरे बाल, और इसमें कितनी अच्छी शाइन भी आ चुकी है, और ये थिक भी लग रहे हैं। तो आप भी इस होम रेमेडी को अप्लाई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली एक बार तो ट्राई करना चाहिए। फर्स्ट टाइम में ही आपको थोड़ा सा रिजल्ट आने लगेगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे गौर से आपको बताना चाहूँगी कि आपको ये फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। ये नेचुरल रेमेडी है तो आपको थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसके रिजल्ट्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा कॉन्स्टेंट इसे करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इंस्टेंट के पीछे मत दौड़िए। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको केमिकल अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके रिजल्ट्स इंस्टेंट आते हैं, लेकिन इंस्टेंट ही आपके बाल ख़राब भी होने लगते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल। सो आप खुद समझदार है, आप डिसाइड कीजिए आपको लॉन्ग वे से जाना है या शॉर्ट वे से जाना है। लेकिन शॉर्टकट से जाओगे तो शॉर्टकट इज़ ऑलवेज डेंजरस। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये दावा नहीं कर रही हूँ कि आपको एक ही यूज़ में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले, या फिर आपके बाल झड़ना इंस्टेंटली कम हो जाएगा, या फिर इंस्टेंटली आपके बालों में शाइन आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, आपको वेट करना पड़ेगा तब जाके ये सब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन धीरे से। बट मैं यहाँ पर ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपके बालों को इस पैक से बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। जब हेल्दी हेयर होंगे, हेल्दी स्कैल्प होगा, तो वो गिरना भी कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में जो बेल आइकन का बटन आता है उसे भी एक बार क्लिक कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियोज़ देखते रहना। बाय।